आमिर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। आई एम इंशा हुसैन अहमद। आई एम बेगतुबा अब्रार। आई एम अंसारी मोहम्मद वैस। आई एम अजलान खान। आई एम रुद्र पाटिल। आई एम मोहम्मद रियान। आई स्कोर 604 इन नीट, 99.39% इन एमएसटी सीटी एंड 91.33% इन एचएससी। My MSTCT score is 99.68% and I stood first in Mula. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91% in JEE, 91.58% in MSTCT and 89.17% in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. मुमरा बाईपास पहुंचकर कथित एनकाउंटर के कथित घटना स्थल का मृतक अक्षय शिंदे के वकील ने लिया जायजा। नरमी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 28 सितंबर शाम बिल्कुल 5:30 से 6 के बीच मुमरा बाईपास पर, जहां पर बताया जाता है कि बदलापुर यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, पुलिस वैन में ये एनकाउंटर किया गया। इससे संबंधित सारी खबरें हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, हाईकोर्ट के सुनवाई की भी खबर आपको बता चुके हैं। अब उसी सुनवाई में मृतक अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी तरफ से पक्ष रखने वाले वकील एडवोकेट कटर नवरे ये पहुंचे मोबरा बाईपास, और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अधिकृत रूप से जो जानकारी दी है कि ये झड़प कहां हुई, एनकाउंटर कहां हुआ, तो वो उन्होंने बताया मुमरा देवी मंदिर का जो पहाड़ है उसके ठीक नीचे बाईपास का जो हिस्सा है, मुमरा बाईपास के उस हिस्से पर ये घटना घटी है, ये एनकाउंटर हुआ है, अक्षय शिंदे ने झड़प की थी। तो यहां पर पहुंचे एडवोकेट कटर नवरे और उन्होंने इस पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, कहां कहां सीसीटीवी फुटेज लगे, क्या है क्या नहीं, तकनीकी तौर पर उन्होंने तस्वीरें आदि निकाली। इस दौरान समूचा मीडिया उनका पीछा करता रहा और लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी करता रहा। अंत में मीडिया से उन्होंने बात की और क्या कहा सुनिए। सर आपण कॅमेरा घुसून ठेवूया नाही तर काय पोलिसांनी जी FIR 307 ची मी काय नाही केलंय, डिसीज्ड अक्षय शिंदे वरिष्ठ दाखल केलेली आहे, ती FIR चा टायमिंग तो त्याच्या अनुषंगाने मी सगळ्या गोष्टी एक रिक्रिएशन एक एक्सरसाइज करतोय, मी स्वतःला सॅटिस्फाय होण्यासाठी आणि सत्य शोधण्याचा मी फक्त प्रयत्न करतोय। काही गोष्टी मला आता निदर्शनास आलेल्या आहेत, परंतु त्या मी आता जर सांगितल्या तर मी कोर्टामध्ये काय सांगायला राहणार नाही आणि विरोधक सगळे अलर्ट होतील। म्हणून माझी विनंती आहे, जर तुम्हाला असं वाटत असेल एक पत्रकार म्हणून की सत्य उघडकीस यावं आणि खरोखर काय आहे हे महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या जनतेला कळावं, तर कृपया करून कोणीही अशी
आता मागणी करू नका की आता माझ्या डोक्यात काय चालले आणि आता मला काय पुरावे हाती लागले. एफआयआर मध्ये किती वेळ लागले, एफआयआर मध्ये किती वेळ दिली, काय वेळ दिली. एफआयआर मध्ये त्यांनी असं सांगितलं होतं की 5:30 वाजता तळोजातून घेऊन आले. बरोबर 5:55 त्यांनी डायघरला फोन आला. पीआय पुढे जे बसलेले होते ते डायघरला पाठीमागे गेले. टायगरवरून मग ते 6:15 त्याच्या तिथे काही बाचाबाची झाली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आक्षेप मी त्यांच्यावर फायर केला आणि मग त्यांनी आपल्याला तुम्हाला किती वेळ लागला, आता तुम्हाला किती वेळ लागला, आता तुम्हाला येताना किती वेळ लागला, आता येताना किती वेळ लागला, आता येताना किती वेळ लागला. आता मी एवढं होऊ शकता असं मला वाटतं 100% याच्यातून सत्याच्या अक्षय शिंदे के खिलाफ वो थियरी में कितनी सच्चाई है वो सच्चाई ढूंढने में ये पूरा कोर्स किया है. इट इज ए पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल एथिक्स में ये सब जो है सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सच्चाई जो है वो कोर्ट के सामने रखनी है. ना मुझे आरोपी डिसीज जो है था उसके साइड से ना मैं पुलिस के साइड से. मेरा काम है कि सच कोर्ट के सामने रखना और जो जो चीजें मुझे एक प्रैक्टिकली एक बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैंने रिवील की है वो कोर्ट के सामने रखना ये मेरा जिम्मेदारी है. और जो भी आपके सवाल है अगर इसके केस के सिलसिले में अभी मुझे क्या मैंने पाया अगर मैं ये चीज अभी बताऊंगा तो कोर्ट के सामने मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा. आप मेरे पत्रकार भाइयों मेरी बात समझ के लीजिए, मुझे समझ लीजिए. मैं देख रहा हूँ आप लोग कंटिन्यूसली हमारे पीछे है, आपका काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. हम दोनों मिलकर के इसको सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश क्या लगता है सर जैसा बताया जा रहा है, सर जैसा बताया जा रहा है ये स्पॉट गलत है और गुमराह किया जा रहा है. सीआईडी का वेगळा स्पॉट होता, क्राइम का वेगळा स्पॉट होता, आता तुम्ही मुमरा देवी पायथ्याशी आलात माहितीप्रमाणे जो स्पॉट आहे तो हा स्पॉट आहे म्हणून त्या अनुषंगाने मी इथे पाहणी केलेली आहे. फक्त मी आता एवढं सांगू शकतो सर जैसे कॉल कॉल आया था उस कॉल ने बताया है सोमवारी सुनावणी आहे. जर त्यांनी सरकारने जागा नाही दिली तर सोमवारी आम्ही योग्य ती स्टेप्स घेऊ कोर्टात.